फ्रेंड अब हम डोनट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले डोनट बनाने के लिए हम उसके खमीर तैयार उसका खमीर तैयार कर देते हैं जिससे कि डोनट हमारा फूलेगा। तो मैंने ये देखिए 4 बड़े चम्मच दूध लिया है, लगभग आधा कप के लगभग दूध है। इसमें हम पिसी हुई चीनी 2 टीस्पून डाल रहे हैं। 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ज़्यादा चीनी अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। फिर ये देखिए 1 टीस्पून मैंने ये दानेदार इंस्टेंट जो खमीर आती है वो ले लिया है। हमें गुनगुना ही दूध लेना है, थोड़ा गर्म दूध, ताकि ये हमारी खमीर जो है अच्छे से इसमें अच्छे से तैयार हो जाए हमारी खमीर। अगर हम गर्म दूध नहीं लेंगे तो खमीर हमारी अच्छे से तैयार नहीं होगी। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा इसको मैच्योर होने देते हैं। चीनी के साथ हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि चीनी के साथ यीस्ट मिलके अच्छे से फर्मेंट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको चीनी के साथ ही मिक्स करते हैं। तो चलिए, गुनगुना दूध ज़रूर रखिएगा, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं चलेगा, गुनगुना दूध चाहिए, गुनगुना से थोड़ा गर्म। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम डोनट का आटा लगा लेते हैं। ये मैंने 1 कप आटा लिया है, ग्राम्स में लगभग 200 ग्राम है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया है। और ये देखिए चीनी ले लेंगे हम, आधा कप चीनी ले लेंगे। 1 कप अगर मैदा है तो आधा कप हमें चीनी का ले लेना है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे इसके साथ में सारी चीज़ें। और हमें ये जो हमने यीस्ट डाल के दूध में मिक्स किया था उसी से हमें गूंथना है, लेकिन उतना दूध कम पड़ेगा तो हम और गुनगुना ही दूध लेंगे अगर जितना कम पड़ेगा। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंथ लेंगे अच्छे से। हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। उतने ही दूध से मेरा काम चल गया है ये, क्योंकि इसमें चीनी पाउडर है, शुगर पाउडर है, तो इसलिए चिपचिपा लगेगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से गूंथ लेना है। ये अभी थोड़ी देर में छूटने भी लगेगा हाथ से। अभी हम इसमें बटर भी मिक्स करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हम इसमें 2 चम्मच के लगभग बटर ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून हमें बटर लेना है। रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा, आजकल ठंड है तो रूम टेम्परेचर पे भी ये जल्दी गल नहीं रहा है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से गूँथेंगे। अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा ले सकते हैं। मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि हमें इसको अब अच्छे से पटक पटक के गूँथना है। अच्छे से हम इसको गूँथ लेंगे, इसको हमें खूब अच्छे से। ये अभी चिपक रहा है, थोड़ी देर में ये एकदम फूल जाएगा तो चिपकेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा आटा गूंथ गया है। थोड़ा सा सूखा आटा हमें लेना पड़ा है क्योंकि ये हाथ में चिपक रहा था, तो अगर आपके हाथ में ज़्यादा चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिए। ये देखिए हमारा ये बन के डो तैयार हो गया है, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ है। अब हम इसको एक बाउल में रख देंगे ढक के, और हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको ढक दीजिए आप किसी प्लेट से, आप इसको ढक दीजिए। ये देखिए हम प्लेट से ढक के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हम इसके डोनट्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, 20 मिनट हो गए हैं, हम अपना आटा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। शुरू शुरू में आपको गूंथने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, चिपचिपा होगा, तो इसलिए क्योंकि इसमें चीनी भी पड़ा होता है, मिल्क पाउडर भी, तो इसलिए वो चिपचिपा हो जाता है। अगर ज़्यादा अगर आपको चिपचिपा लगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके डोनट तैयार करते हैं। इसको हम पहले फैला देते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट है, इससे ही पता चल जा रहा है कि आराम से हाथों से फैल जा रहा है। लेकिन हमें इसमें बेलन का यूज़ थोड़ा करना है क्योंकि इसे हमें एकदम प्लेन बनाना है, 1 सेंटीमीटर लगभग मोटा हमें इसको रखना है। डोनट काटने के लिए आपके पास अगर डोनट कटर है तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे डोनट कटर से शेप अच्छा नहीं आता है। मैंने एक ये कटोरी ले ली है और एक ये छोटा ढक्कन, तो मैं इसी से काटूँगी। ये देखिए मैंने हाथ से फैला लिया है, नीचे मैदा ज़रूर लगा लीजिएगा थोड़ा सा। अब मैं इसको थोड़ा सा चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कर देना है, कहीं मोटा पतला नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी है, अभी ये तेल में डालने पे और फूलेगा। अब हम इसके एक कटोरी पे हमें थोड़ा सा मैदा लगा लेना है, कटोरी पे भी और ढक्कन पे भी, ताकि ये चिपके नहीं।
तो अब हम इसके ये रिंग्स काट लेते हैं। ये देखिए ऐसे हम इसके पहले ये बड़े गोले काट लेंगे डोनट्स के। ये देखिए चार गोले कट गए हैं, इनको हम उठा के फिर से इसी में रख लेंगे। वापस से हम ऐसे ही इसी प्रोसेस से फिर से बनाएंगे, लेकिन पहले हम इतने तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसमें इस ढक्कन से बीच में एकदम बीचों बीच में इसको काटेंगे। ये देखिए ये ऐसे हम, अगर हम मैदा नहीं लगाएंगे तो ये इसमें चिपक जाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको ऐसे काट लेंगे सारे डोनट को बीच से। ये देखिए हमने डोनट काट लिए हैं, एक प्लेट पे हम मैदा लगा लेंगे ताकि हमारे डोनट चिपके नहीं, और हम इसको रखते जाएंगे ऐसे ही। ऐसे ही हम बाकी के जितने भी हमारे बने आप उतने डोनट्स बना लीजिए। फिर से हम लेते हैं उतना ही भाग और फिर से हम बना लेते हैं। और कढ़ाई में आप तेल रख दीजिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि आपका तेल गर्म होता रहे। हमें बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं तलना है, क्योंकि ये मोटा होता है तो हमें इसको अंदर तक तलना रहेगा। तो अब हम और बाकी के बना लेते हैं डोनट्स। ये देखिए फ्रेंड हमारे 200 ग्राम आटे में इतने डोनट बन गए हैं। अब ये लास्ट का बचा है, लास्ट का भी हम ऐसे ही बेल लेंगे। और ऐसे ही जितने भी इसमें कटे, बहुत मोटा ना पतला, बराबर रखेंगे। ये देखिए थिकनेस। और इसमें एक और हम निकाल लेते हैं और इसको बीच से भी ऐसे ही। अब एक और बन जाएगा अभी, ये देखिए एक और हम बना लेते हैं छोटा सा। हमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, ऐसे ही करके हम सारी, ये देखिए लास्ट हम कटोरी के ही शेप का, उतना ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और ये काट लेंगे, ये देखिए अब ये जो लास्ट का बचा है इसको हम ऐसे ही छोटा सा हाथ से बना के और इसको बीच से काट लेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्लैट कर देंगे, गोल हो जाएगा ये सब तरफ से बराबर। और ये बीच में हम इसको ऐसे काट लेंगे। ये देखिए बस हमारा इतना सा बर्बाद हुआ है, इसको भी आप तल लीजिएगा, बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हमारे सारे डोनट तैयार हो गए हैं, अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद फिर हम इनको तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा तेल गर्म हो गया है, हम गैस को स्लो पे कर देंगे, ना हाई ना लो, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और हम अपने इसमें डोनट डालते रहेंगे। ये देखिए चार डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ हम नहीं डालेंगे, चार ही डालेंगे, चार चार करके हम तलेंगे। हाई फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं तो ये डोनट अच्छे से अंदर पकेंगे नहीं, हमें इनको पहले पकने देना है। ये देखिए जब ये पकने लगेंगे तो अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे। ये देखिए ऐसे ही, अभी ये नीचे है, अभी ये जब पक जाएगा तो ये फूल के ऊपर आ जाएगा। और हमें इसे अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, स्लो फ्लेम पे ही, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए पलट लेंगे हम ऐसे ही, आराम से पलटिएगा, ज़्यादा इसमें जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो टूट जाएंगे। ये देखिए, और एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े ही डालेंगे। ये देखिए ऐसे हम पकाते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आप बहुत जल्दीबाजी नहीं करिएगा। बस आटा गूंथने के टाइम पे आपको ध्यान रखना, आटा बहुत अच्छे से गूंथना है। आटा चिपचिपा हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा सूखा मैदा लेके आप आटा छुड़ा सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए ये अब हमारे ये डोनट्स तैयार हो गए हैं, और बाकी के हम तैयार करेंगे ऐसे, इसको निकाल लेते हैं और बाकी के डालते हैं। ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, एक साथ 3 या 4, जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई हो उस हिसाब से ही डालिए। और तेल अच्छे से भर लीजिए कढ़ाई में ताकि टूटे नहीं। तो ये देखिए ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारे सारे डोनट्स लगभग सिक्के तैयार हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। लास्ट हमारे 3 बचे हैं उनको डाल के, और अब हम गार्निशिंग के लिए तैयार होते हैं। ये एक छोटा सा रह गया था, इसको भी डाल लेंगे। अब ये हमारे लास्ट 3 बचे हैं, इसको हम डाल लेंगे और इसको भी सेक लेंगे। और एक साइड में हम अपनी चॉकलेट मेल्ट करते हैं, क्योंकि हमें इसका चॉकलेट से इसको गार्निश करना है। ये देखिए मैंने नीचे पानी रख लिया है और ये बाउल रख लिया है। अब हम इसमें वाइट चॉकलेट डाल देंगे, वाइट चॉकलेट भी डालेंगे
और दो हमें चॉकलेट वो बनाना है, मेल्ट करनी है, मिल्क चॉकलेट भी और वाइट चॉकलेट भी। तो हम पहले मिल्क चॉकलेट इसको तोड़ लेते हैं, इसमें इसको हम इसको पिघलाएंगे इसके साथ डबल बॉयलर मेथड से। ये मैंने मिल्क बार की चॉकलेट ली है, आपके पास कोई भी चॉकलेट हो आप वो ले सकते हैं। फ्रेंड ये मैंने बड़ा कटोरा लिया है, आपके पास छोटा अगर बर्तन हो तो आप उसमें ही मेल्ट करिएगा। मेरे पास इसके साइज़ का कोई बर्तन नहीं था इसलिए मैंने इसमें किया। हमें इसको अच्छे से मेल्ट करना है डबल बॉयलर मेथड से। ये देखिए धीरे धीरे शुरू हो गया है। आप चॉकलेट को जितना बारीक तोड़ेंगे उतनी जल्दी मेल्ट होगा। और हमारे इधर डोनट्स भी तैयार हो गए हैं, तो चलिए हम डोनट निकाल लेते हैं और हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। ये देखिए फ्रेंड हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अगर हम कंपाउंड चॉकलेट लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी मेल्ट होती है, ये बनी हुई चॉकलेट होती है तो इसमें थोड़ा सा मिलावट होती है तो इसलिए इतनी अच्छी मिक्स नहीं होती है, जल्दी गलती नहीं है। लेकिन ये हो गया है, अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। ये देखिए फ्रेंड अब हम ये जो हमने डोनट्स बनाए हैं स्पून निकाल लेते हैं, साइड में कर लेते हैं और इसको एक साइड ही हम इसको ऐसे करके और एक प्लेट में लगाते जाएंगे ऐसे करके। अभी ये सूख के ठंडा हो जाएगा और इसके ऊपर जम जाएगा। ये देखिए ऐसे हम कुछ वाइट चॉकलेट से इसको कर लेंगे और कुछ ब्लैक चॉकलेट से। तो हम पहले वाइट चॉकलेट से कर लेते हैं इसको। फ्रेंड इसी में हमने अपनी ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो होती है वो मेल्ट करने के लिए डाल दी है। इसको भी हम मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से क्योंकि हमें भी इसके ऊपर लगाना है। और ये देखिए ये हमने कुछ में वाइट चॉकलेट लगाई हुई है जिसमें अब हम इसको ऐसे सजा लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी सजा सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ पे ये जो सौंफ के कलरफुल दाने होते हैं वो डाल लिए हैं और कुछ को हम वाइट को ब्लैक से और ब्लैक को वाइट से सजा लेंगे ऐसे करेंगे। ये देखिए अब हमारी डार्क चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें इसको डिप करके और ऐसे निकाल के रखते जाएंगे जिस हिसाब से वैसे। ये देखिए इसको हम इसमें लपेट के और रखते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड ये मैंने ब्लैक से कर दिया और कुछ वाइट वाली चॉकलेट पे हम ऐसे, ये चॉकलेट हमारी ठंड के कारण जम गई है कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे लाइनिंग डाल देंगे। ठंड बहुत हो रही है, एक तरफ हम इसको मेल्ट करते हैं और एक तरफ ये जमने लगती है। तो ये देखिए ब्लैक पे वाइट से और वाइट पे ब्लैक से इस तरह से हम इसको डिज़ाइन दे देंगे। और कुछ पे हमने सौंफ लगा ली है ऐसे ही हम कर लेंगे ये देखिए। और चॉको चिप्स भी हम लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है बारीक बारीक काट के आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं, आप अपने क्रिएटिविटी से कैसे भी इसको सजा सकते हैं। तो मैं अब आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारे डोनट बन के तैयार हैं। तो जैसे मैंने बताया है वैसे रेसिपी को फॉलो करिए। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है लेकिन आप पूरा प्रोसेस देखने के लिए पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा तो आप बोलेंगे कि आपने ठीक से बताया नहीं था। तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और आप अपने बच्चों को अच्छे से घर में ही बना के डोनट्स या कोई भी चीज़ अच्छे से आप बना के खिला सकते हैं हाइजीनिक तरीके से। तो फ्रेंड मिलते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।